नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मोटिवेशन माय मोटो में। लाइफ में किस तरह से हम नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों से बच सकते हैं, इसी पर है हमारा आज का वीडियो। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आज के वीडियो को लाइक कीजिए। इसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोग हमारे बारे में नेगेटिव क्यों बोलते हैं, हमें इंसल्ट क्यों करते हैं और बार बार हमारे को परेशान क्यों करते हैं, इस पर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम बातें करेंगे कि किस तरह से इस तरह के लोगों को हम हैंडल करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन जनरल लोग हमें बुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारी सोच को समझ नहीं पाते। एक्चुअली दुनिया में हर इंसान की अपनी सोच होती है। कुछ लोगों को लगता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, कुछ लोगों को लगता है ग्लास आधा खाली है और कुछ लोगों के लिए ग्लास पूरा भरा होता है, आधा पानी से और आधा हवा से। तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं। जो लोग आपकी सोच को समझते हैं वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग आपकी सोच को समझते नहीं हैं वो लोग आपको अपोज करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि लाइफ में जब भी कोई काम करें उससे पहले खुद को एनालाइज ज़रूर कर लें, खुद को ये एश्योरेंस दिला दें कि आप जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही है। इसलिए दुनिया को ना देखें, अपने आप से कुछ सवाल ज़रूर करें। पहला तो ये कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा। अगर इसका नतीजा पॉजिटिव होगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे, और मान के चलें कि अगर इस काम का नतीजा नेगेटिव होगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे। अगर ये सारी सिचुएशन सोचने के बाद भी आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही है तो अपने सोच पर एकदम अडिग रहिए, और जो लोग आपको नेगेटिव कह रहे हैं उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कीजिए। क्योंकि अगर आपकी सोच सही है, आपकी नीयत साफ है और आप ईमानदारी से काम करने वाले इंसान हैं तो आज नहीं तो कल आपका सफल होना तय है। चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी। तो जो लोग आज आपको बुरा कह रहे हैं वो कल आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपके काम को ज़रूर समझेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे और हो सकता है कल को यही लोग आपको फॉलो करें, आपको आइडल भी माने। लेकिन एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत रातों रात नहीं होता। तो आपसे इतना कहूँगी कि किसी भी चीज़ को प्रूव करने में टाइम लगता है, लोगों को आपकी सोच को समझने में भी टाइम लगता है। अगर आप एक नन्ना सा बीज भी ज़मीन में गाड़ें तो उसे भी पेड़ बनने में टाइम लगेगा और उस पेड़ पर फल लगने में भी टाइम लगेगा। हमारी आज की इंस्टेंट नूडल वाली जनरेशन को हर चीज़ जल्दी चाहिए, तो उस जनरेशन से मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो चीज़ जल्दी पकती है वो जल्दी जलती है, जो जल्दी जलती है वो जल्दी ख़राब होकर ज़िंदगी से बाहर जाती है। इसलिए जल्दी के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। सो फ्रेंड्स, चलते चलते अपनी ही लिखी दो पंक्तियों में आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि जमा के रखो पैर इतने कि कोई उखाड़ ना पाए, जमा के रखो पैर इतने कि कोई उखाड़ ना पाए, मिले जो कोई तुझसे तो बस तेरा हो जाए। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।